बाह्य प्राणायाम में तीन बंध लगेंगे, त्रिबंध के साथ कम से कम 5 से 10 मिनट तो कपालभाति करना ही है, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करना ही है। फिर ये कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम और ऊर्जाई भी 3-3 बार कर लेते हैं तो एक संतुलित अभ्यास हो जाता है। एक शब्द मैं बार बार कहता हूँ, जीवन में हमेशा कैसी होनी चाहिए हमारी दृष्टि? समग्र और संतुलित, हर क्षेत्र में। तो एक समग्र अभ्यास हो जाता है ये जो पूरा प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं ना साथ साथ। श्वास को बाहर छोड़ के 3 बंध लगाना और कम से कम 15 सेकंड तक तो बाह्य प्राणायाम करने का भी अभ्यास सभी साधकों का, योगियों का होना चाहिए। श्वास को अंदर भरना, पूरक बाहर छोड़ना, रेचक बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, बाह्य कुंभक अंदर भर के अंदर रोकना, अभ्यंतर कुंभक। बाह्य प्राणायाम के बाद जब हम उज्जाई करेंगे तो अभ्यंतर कुंभक हो जाएगा। पूरा श्वास भरिए, पूरा बाहर छोड़िए, बाहर छोड़ के बाहर रोक के रखिए, 3 बंध लगाइए। जालंधर बंध ठोड़ी को कंठकूप में लगाना, उडियान बंध पीठ को पीठ से लगाना, मूल बंध नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। ऐसे 15 सेकंड से कितनी देर तक कर सकते हैं? आधा मिनट तक तो करें सर। फिर अब उज्जायी प्राणायाम में 1 मिनट तक तो सबको करना है। योगी आत्माओं को, विशेष करके योग में जो BA MA PhD कर रहे हैं, वो 1 मिनट भी श्वास ना रोक पाए तो कैसे योगी। और अभ्यास के बाद 2 मिनट, और फिर और ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो मेरी तरह से 2.5 मिनट तक तो कर ही लेना, उससे आगे मत करना, फिर उससे गड़बड़ होने की संभावना रहती है। उसके बाद यदि मस्तिष्क को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी बॉडी की जो मस्तिष्क सहित जितने भी संवेदनशील कोशिकाएं हैं उनको हानि पहुंच सकती है, इसलिए उससे अधिक का निषेध कर रहा हूं। तो 1 मिनट तक सब करेंगे। आपको एक अच्छा सा भजन सुना देते हैं। हमारे गुरुकुल की बेटियाँ एक बहुत अच्छा भजन गाती भी हैं और लिखती भी हैं। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। यही योग का लक्ष्य है कि हम दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से भर जाएं, प्रभु के ही, भगवान के ही प्रतिरूप बन जाएं। और जो वैयक्तिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है द्वेष और आलस्य, ये 2 दोष सबसे सबल होते हैं। और इसी से ही फिर ये सारी सृष्टि दूषित हो रही है। यदि द्वेष मिट जाए और आलस्य मिट जाए तो सारा दुख और दरिद्रता खत्म हो जाए, है ना। तो चलो श्वास भर के अंदर रोके रखना, 1 मिनट से पहले किसी को रुकना
बीच में छोड़ना नहीं है। एक मिनट सब करेंगे मेरे साथ, लंबा गहरा श्वास भरी आइए और रोक के रखेंगे। मैं 2 मिनट करूँगा, आप 1 मिनट करना। आप जब तक मैं एक बार करूँ, आप 2 बार कर लेना, तो मेरी भी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी और आपकी भी प्रैक्टिस शुरू तो हो ही जाएगी। भर करके रोक के रखना, फिर छोड़ते समय दाएं आँख को बंद करके बाएं से छोड़ना। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हर द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हर द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम संकेत किया है हमें योग के पथ पर, वेद के पथ पर,
गुरु की शरणागति में, भगवान की शरणागति में जब रहते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही दिव्यता में ढलता चला जाता है। बस एक निश्चय कर लें कि मुझे गुरु और भगवान की शरणागति में रहे।